ENBA अवार्ड में यूपी तक की धूम, यूपी तक .in को बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कह सकता हूँ कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है, मेरे अपने अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। 2 साल 2 महीने 24 दिन बाद जेल से बाहर आए आजम खान ने सधी जुबान में ना जाने कितने सियासी वार कर दिए और कितने पोशीदा एहसास को बेनकाब कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। इतने दिनों के बाद आजम थे, मीडिया थी, कैमरे थे और अनगिनत सवाल। सबसे बड़ा सवाल था अखिलेश को लेकर कि अखिलेश आजम के बीच क्या सब कुछ ठीक है, क्योंकि आजम के ही करीबी अखिलेश को लेकर सवाल उठा रहे थे, आजम से नजरें फेरने का आरोप लगा रहे थे। तो मीडिया ने भी सवाल पूछे अखिलेश को लेकर, तो सुनिए आजम ने क्या कहा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए आपका नाम क्यों नहीं जाता है? आपने सीनियर असेंबली मेंबर। इसलिए कि मैं उससे भी ज्यादा सीनियर हूँ। लेकिन सर, आपके लोगों में नाराजगी है, उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे शरीर से अखिलेश यादव को मजबूत आ चुके हैं। आपके आज भी देख रहे हैं कितने समर्थक सड़कों पे थे, वो चाहते हैं कि आजम खान अगर खड़े होते हैं तो बीजेपी का विकल्प एक दे सकते हैं। आजम खान क्या मुस्लिमों का एक बड़ा चेहरा बनकर एक विकल्प दे सकते हैं? क्या मायावती, देखिए इस वक्त मेरे लिए बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि यह मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हज़ारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं उनमें बस मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है, मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। आजम कहते हैं कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना ही हाथ है। आजम यहीं नहीं रुके और बिना नाम लिए एक और हमला कर दिया। सवाल पूछा गया कि क्या अखिलेश से आपकी बात हुई है, तो सुनिए आजम ने क्या कहा। लेकिन सुना ये है कि महबूबा के कहने पर किसी ने अपनी माँ का दिल निकाल लिया था और वो दिल निकाल कर जब महबूबा की तरफ बढ़ गया तो ठोकर लगी और दिल के साथ गिर गया, तो माँ के दिल से आवाज आई थी, बेटे तेरे चोट तो नहीं लगी। तो इतने सब कुछ होने पर भी माफ करने को तैयार? नहीं, मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ। सर आप देखिए कि मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ तो मैं माफ़ किस चीज़ के लिए करूँ? मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया, किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है। तो आजम कहते हैं कि जो जेल में मुलाकात करने आए उनका शुक्रिया, उनका भी शुक्रिया जो मुलाकात करने नहीं आए। तो आजम खान हर मुद्दे पर खुलकर बोले, लेकिन सवाल जब जब अखिलेश का आया तो बिना नाम लिए उस सवाल को वो टालते नजर आए, या यूं कहें कि बिना नाम लिए जो कुछ कहा उसमें सब कुछ है। आखिरी सवाल, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर शिवपाल यादव जिस तरीके से आपके नजदीक हैं, तो सर शिवपाल यादव जिस तरीके से नजदीक है, मायावती आपके बारे में अच्छा कर रही है, आपके संघर्ष को सलाम कर रही है, कांग्रेस कर रही है, तो क्या आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से विकल्प? देखिए ये मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो मुझसे मिले हैं जेल में, उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिनसे मैं नहीं मिल सका, उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे बारे में अच्छी राय बनाई, अच्छी राय कायम की, और वो इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं शायद पहला वो बदनसीब शख्स हूँ पूरे चुनाव में जिसे माफियाओं की लिस्ट में नंबर एक पर रखा। तो क्या माना जाए कि वाकई अखिलेश और आजम में दूरियां दरकते रिश्तों की दहलीज तक पहुंच चुकी हैं? इस खबर पर आपकी क्या राय है? आजम जिस तरह से बोले हैं पोशीदा शब्दों में, शायरी के जरिए, उसका मतलब क्या है? क्या वाकई में अखिलेश से नाराज हैं आजम और इनकी दूरियां काफी बढ़ गई हैं? इस पर अपनी राय जरूर रखिए। तमाम खबरों के लिए यूपी तक देखते जाइए, यूपी तक .in पर तफसील से खबरों को पढ़ते जाइए।